एवरी वन वेलकम टू माई चैनल आज हम लास्ट चैप्टर देखेंगे जो कि है पॉपुलेशन आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे पॉपुलेशन का साइज देखेंगे उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे वो कैसी ग्रोथ होती है पॉपुलेशन में वो देखेंगे और पॉपुलेशन चेंज कैसी होती है चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से अब सबसे पहला क्वेश्चन व्हाट इज पॉपुलेशन पॉपुलेशन यही है सपोज आप कोई कॉलोनी में रह रहे हो जैसे कि पटेल नगर हो गया पटेल नगर में रह रहे हो और वहाँ पे थाउजेंड लोग हैं थाउजेंड लोग हैं तो मतलब पटेल नगर की जो पॉपुलेशन है वो थाउजेंड पीपल की है तो पॉपुलेशन यही है कि एक एरिया में या एक सिटी में या एक टाउन में या एक कंट्री में कितने लोग रह रहे हैं उसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं अब पॉपुलेशन क्या है ह्यूमन रिसोर्सेज है पीपल है तो अगर हम पीपल हैं तभी सब चीज़ की वैल्यू है हमने ये देखा था पहले भी कि जो पीपल है वही रिसोर्सेज को उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं हमारे आने से पहले किसी को क्या पता था कौन सी चीज़, चीज़ क्या है अब कोई पीस ऑफ रॉक है या कोल है उसको कोल हमने बोला है वरना उससे पहले तो वो एक वो किसी का भी कोई काम करना था अब डायमंड डायमंड की वैल्यू एक इंसान ने ही रखी हुई है ऐसे कोई पहले नहीं था कि डायमंड इतना हाई रेंज में है या जो भी है उसकी वैल्यू एक इंसान ही रखता है तो ये एक ह्यूमन रिसोर्स ही है या पीपल ही है जो ये सब चीज़ों की वैल्यू रखते हैं अब कोई नेचुरल इवेंट है जैसे कि सुनामी आ गई तो वो जब ही इफेक्ट करेगी ना जब वहाँ पे लोग रह रहे होंगे या नहीं रह रहे होंगे तो फिर वो सुनामी आगे भी चली जाएगी तो कोई न्यूज़ हेडलाइन नहीं बनेगी तो वो न्यूज़ हेडलाइन इसलिए ही बन रही है क्योंकि वहाँ पे लोग रह रहे हैं लोग नहीं रहेंगे तो उस कुछ किसी का कुछ बिगड़ेगा ही नहीं सुनामी आके चली गई किसी को कोई इफेक्ट ही नहीं करेगा तो इसलिए लोगों का पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सोशल स्टडीज़ में साथ ही साथ क्या होता है कि हम एक लोग के परस्पेक्टिव में ही सारी चीज़ें पढ़ते हैं सारे एलिमेंट्स उनके पर्स्पेक्टिव से ही ऑब्जर्व करते हैं अब कोई रिसोर्स है या कोई कैलॉमिटी आ रही है या कोई डिजास्टर हो रहा है वो तभी मीनिंगफुल है जब यहाँ वहाँ पे ह्यूमन इन्वॉल्व हो वरना तो मीनिंगफुल है ही नहीं अगर कुछ चीज़ें ह्यूमन को इफेक्ट कर रहे हैं अब कोविड आया था कोविड ने ह्यूमन को इफेक्ट किया इसलिए वो इतना हेडलाइन में था अगर वो ह्यूमन को नहीं कोई एनिमल को इफेक्ट कर रहा होता तो इतना न्यूज़ में नहीं होता जितना अभी था लोग मर रहे थे इसलिए ज़्यादा वो इतना ज़्यादा मतलब हेडलाइन में था तो लोगों का जो न अब हम जो सोशल स्टडीज़ में पढ़ते हैं और पॉपुलेशन का नंबर पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं ग्रोथ पढ़ते हैं करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं लेकिन हम ये सब मतलब ये चीज़ें हमें कैसे पता चलती है ये सब चीज़ें हमें सेंसस के थ्रू पता चलती है अब सेंसस क्या होता है सेंसस होता है कि हम लोग ना इन्यूमरेट कर रहे हैं पॉपुलेशन को कि मतलब काउंट कर रहे हैं कितनी पॉपुलेशन है और ये भी हम जो कर रहे हैं ये हम पीरियोडिकली कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि पहले हमने आज कर ली फिर हमने दो साल बाद कर ली फिर हमने पाँच साल बाद कर ली फिर हमने दस साल बाद कर ऐसे नहीं कर रहे तो हम पेरियोडिकली कर रहे हैं कि दस साल बाद कर रहे हैं तो दस साल बाद ही कर रहे हैं तो फर्स्ट सेंसस जो हुआ था वो एटीन सेवेंटी टू में हुआ था लेकिन ये कंप्लीट सेंसस नहीं था उसके बाद एटीन एटी वन में कॉम्प्रिहेंसिव सेंसस हुआ था और उसके बाद से रेगुलर हो रहा है लेकिन जो लास्ट सेंसस हुआ हुआ है वो टू थाउजेंड इलेवन का हुआ हुआ है टू थाउजेंड ट्वेंटी वन वाला सेंसस हुआ नहीं कोविड की वजह से अभी बात चल रही है कि सेंसस होगा तो नियर फ्यूचर में नया सेंसस आएगा लेकिन अभी हम टू थाउजेंड इलेवन के बेसिस पे ही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे लेकिन like, जो ये सेंसस होते हैं बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डाटा प्रोवाइड कराता है हमें चाहे वो डेमोग्राफिक डाटा हो चाहे इकोनॉमिक डाटा हो चाहे वो सोशल डाटा हो तो सेंसस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से लोग कहाँ रह रहे हैं कौन कितने कास्ट हैं हमारे उसमें या कौन सी कास्ट में कितने लोग हैं ये सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सेंसस uh, हम पढ़ें और इससे हमें ये भी पता चलता है कि कौन से लोग मतलब कितने लोग हैं कंट्री में कहाँ पे वो रह रहे हैं क्या कि, कितने के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं कहाँ पे नंबर डिक्रीज हो रहे हैं बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स पता चलते हैं अगर हम सेंसस के सेंसस पढ़ते हैं तो अब हम फर्स्ट देखेंगे पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन उसमें जो फर्स्ट है इंडिया का पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाई नंबर्स नंबर्स के अकॉर्डिंग टू में जो इंडिया का पॉपुलेशन साइज था वो था वन मिलियन जो कि है 17.4 पॉइंट फोर परसेंट ऑफ द वर्ल्ड बल सेवनटीन पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ द वर्ल्ड और टू ये और जो इंडिया का टोटल लैंड एरिया है वो है टू पॉइंट फोर परसेंट ऑफ द वर्ल्ड तो सोचो टू पॉइंट फोर परसेंट ऑफ द वर्ल्ड के लैंड पे सेवेंटीन पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ द वर्ल्ड की पॉपुलेशन रह रही है और ये ऐसा नहीं है ये पूरा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये भी अन ईवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है टू पॉइंट फोर परसेंट लैंड पे भी जिसमें भी टू थाउजेंड एलेवन के सेंसस में ये भी पता चला कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो जो कि है वन नाइन नाइन मिलियन और ये मोस्ट पॉपुलर स्टेट है कंट्री के हंड्रेड परसेंट में से सिक्सटीन परसेंट पॉपुलेशन सिर्फ उत्तर प्रदेश में है बाकी हिमालयन स्टेट में जैसे सिक्किम है वहाँ पे सिर्फ पॉइंट सिक्स मिलियन पॉपुलेशन है और लक्षद्वीप में तो सिर्फ सिक्सटी फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड ट्वेंटी नाइन पीपल ही रहते हैं तो जो आ, आ, मतलब इंडिया में बस मोस्ट ऑफ द पीपल जो रहते हैं बस पाँच स्टेट्स में रहते हैं जैसे कि यूपी महाराष्ट्र बिहार वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश और राजस्थान यहाँ की बिगेस्ट स्टेट है इन टर्म्स ऑफ एरिया लेकिन वहाँ पे सिर्फ फाइव पॉइंट फाइव परसेंट पॉपुलेशन रहती है इंडिया की ये देखो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इतना ज़्यादा एरिया है इंडिया पॉपुलेशन है एटी टू पॉइंट फाइव और इंडिया में इतनी सारी है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के पास इतना ज़्यादा लैंड है नाइन्टी सेवन पॉइंट सिक्स और इंडिया के पास इतना ज़्यादा तो देखो कितना पॉपुलस कंट्री है अभी ये देखो उत्तर प्रदेश के पास सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है फिर महाराष्ट्र के पास नाइन परसेंट है नाइन परसेंट बिहार वेस्ट बंगाल में एट परसेंट आंध्र प्रदेश में सेवन परसेंट तो ऐसे कंट्री वाइज दे रखा है कि कितनी मतलब कौन सी स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू इंडिया पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाई डेंसिटी अब डेंसिटी क्या होता है पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है पॉपुलेशन डेंसिटी होता है कि कितने लोग पर यूनिट एरिया में रह रहे हैं कि मतलब एक यूनिट एरिया में एक लोग रह रहे हैं दो लोग रह रहे हैं तीन लोग रह रहे हैं चार लोग रह रहे हैं ऐसे जहाँ जितनी ज़्यादा डेंसिटी हाई होती है उतना ज़्यादा पॉपुलेशन मतलब वो उतनी ज़्यादा वहाँ पे पॉपुलेशन रह रही होती है तो इंडिया वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज़ में से आता है टू में यहाँ पर थ्री पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर रह रहे थे अभी तो बढ़ी गई होगी लेकिन ये डेंसिटी भी एवरेज डेंसिटी थी बिहार में तो ग्यारह सौ दो लोग रह थे, लोग रहे थे और सत्रह लोग रह रहे थे सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में तो ये एवरेज डेंसिटी दे रखी है ये सब डिपेंड करता है कि वहाँ के टोपोग्राफी पे कि अगर टोपोग्राफी अच्छी होती है तो ज़्यादा पॉपुलेशन होती है टोपोग्राफी कम अच्छी होती है तो कम पॉपुलेशन होती है जैसे यूपी है नदन प्लेन्स में आ जाए तो वो इसलिए वो मोस्ट पॉपुलर स्टेट है असम में और पेनिनसुलर स्टेट में मॉडरेट पॉपुलेशन रहती है क्योंकि वहाँ पे मतलब ज़्यादा रॉकी नेचर भी नहीं है टेरेन का ज़्यादा कम भी रेनफॉल नहीं होती मॉडरेट रेनफॉल होती है कम फर्टाइल सॉइल है पर ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही ख़राब सॉइल है तो इसलिए वहाँ पे मॉडरेट पॉपुलेशन मिलेगी लेकिन नंदन प्लेन्स और केरला में तो बहुत हाई पॉपुलेशन मिलेगी क्योंकि वहाँ पे फर्टाइल सॉइल्स मिलते हैं रेनफॉल भी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है ये देखो बिहार में कितनी ज़्यादा डेंसली पॉपुलेशन है वेस्ट बंगाल में ऑरेंज वाला देखो इसलिए फिर ये इसमें देखो इसमें आ गया यूपी हरियाणा पंजाब केरला तमिलनाडु फिर नेक्स्ट टू टू फिफ्टी वन से फाइव हंड्रेड वाले में आंध्र प्रदेश कर्नाटक महाराष्ट्र गुजरात उड़ीसा झारखंड असाम तो ये सब यहाँ पे देखो हंड्रेड एंड बिलो के नीचे आ रहा है सारी हिमालयन स्टेट्स आ रही हैं मोस्टली ये देखो तो ये सब पॉपुलेशन ये अकॉर्डिंग टू टू थाउजेंड इलेवन ही है अभी क्योंकि नया सेंसस आया नहीं है अब है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज अब जो पॉपुलेशन है वो फिक्स्ड फिनोमिना नहीं है वो डायनामिक है वो चेंज होता रहता है उसका नंबर चेंज हो जाता है डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रहता है कंपोजिशन चेंज होती रहती है कॉन्स्टेंटली क्योंकि बर्थ होते रहती हैं डेथ होती रहती है और लोग माइग्रेट करते रहते हैं जिसकी वजह से चेंजेस आते रहते हैं ये तीन रीज़न है अब है फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है वो यही है कि कितने मतलब यहाँ पे अगर आज दस लोग रह रहे हैं तो कल को अगर तो यहाँ पंद्रह हो गए तो यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई और ये ऐसा नहीं है कि मतलब हम आज और कल का देख रहे हैं कि आज एक है कल दो हो गए ऐसा नहीं देखते हैं हमें लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में देखते हैं जैसे कि सपोज़ दस साल का देख रहे हैं तो तब देखेंगे कि कितनी पॉपुलेशन ग्रो हो गई अब ये जो पॉपुलेशन uh, ग्रोथ है हम एप्सोलूट नंबर्स में भी देखते हैं और परसेंटेज चेंज में भी देखते हैं अब एप्सलूट नंबर्स में कैसे देखते हैं कि अगर हमारा पहले थी सौ अब हो गई दो सौ तो माइनस करी तो सौ तो मतलब सौ नंबर एप्सोलूट इंक्रीज हो गया तो ये ये हम यही देखते हैं जैसे 2011 में लास्ट सेंसस हुआ उसमें से 2001 वाली हमने माइनस कर दी तो जो भी हमारी आ रही होगी सब ट्रक करके वो हमारा एबसोल्यूट इंक्रीज हो गया पॉपुलेशन में और फिर होता है जो पॉपुलेशन में परसेंटेज में देखते हैं तो उसमें हमारे सपोज बोला कि टू परसेंट पर एन इंक्रीज़ हो गया तो मतलब सौ लोगों पे फॉर मतलब सौ लोगों पे दो परसेंट बढ़ गए तो ये परसेंटेज टर्म में हम ऐसे देखते हैं और वो एब्सोलूट टर्म में हम वैसे देखते हैं तो इसको हम एनुअल ग्रोथ रेट बोलते हैं और उसको हम एब्सोलूट इंक्रीज़ बोलते हैं इंडिया की पॉपुलेशन स्टडीली इंक्रीज ही हो रही है थ्री सिक्सटी वन मिलियन थी नाइनटीन फिफ्टी वन में और वन टू वन जीरो मिलियन हो गई टू थाउजेंड इलेवन में तो ये स्टडीली इंक्रीज़ ही हो रही है नाइनटीन फिफ्टी वन से और नाइनटीन नाइनटीन फिफ्टी ये तो थी हमारी नाइनटीन फिफ्टी वन से 2011 में और जो हमारा था 1951 से 1981 में उसमें भी स्टडीली इंक्रीज ही हुई थी 361 से 683 मिलियन तक पहुंच गई थी तो इंडिया की पॉपुलेशन स्टडीली इंक्रीज ही हो रही है लेकिन जो 1981 के बाद है वो जिसका उसके बाद जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो कम होने लगा है क्योंकि बर्थ रेट कम होने लगे हैं साथ ही लेकिन जो लेकिन पॉपुलेशन तो तब भी ऐड हो रही है लेकिन पेस कम हो गया है सपोज़ पहले ऐसे जा रहा था तो अब थोड़ा धीरे धीरे जा रहा है अब अब पहले ये था कि ये स्टडीली इंक्रीज हो रहा है अब हो सकता है ऐसे करके मतलब ये थोड़ा डाउनवर्ड आ रहा हो या ऐसे जा रहा हो लेकिन अब ये मतलब स्टडीली इंक्रीज़ नहीं हो रहा है थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है पेस ऑफ ग्रोथ कम हो रहा है कि मतलब लोगों के अंदर अवेयरनेस आ गई है लेकिन इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि वहाँ पे अगर थोड़ा भी पॉपुलेशन बढ़ती है तो एब्सोल्यूट बहुत बड़ा इंक्रीज़ दिखाता है फाइनल नंबर में क्योंकि ऑलरेडी इतना बड़ा नंबर है तो बहुत बड़ा नंबर दिखता है कि इंडिया में बहुत पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो लेकिन जब इतनी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो जो हम लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं कंजर्व कर रहे हैं चीज़ों को उसका भी इफ़ेक्ट्स ना न्यूट्रल दिखाई देने लगता है तो इंडिया में जो मतलब पॉपुलेशन का इंक्रीज़ है वो तो कम हो गया है लेकिन इतना कम नहीं हुआ कि लोगों को दिखे अब जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड है ग्रोथ uh, रेट का वो यही वो पॉजिटिव इंडिकेटर है कि हमने बर्थ कंट्रोल में अफर्ट्स करे हैं लेकिन वो इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है कि एक्चुअल नंबर्स में मतलब अभी भी इंक्रीज ही दिखता है और इसमें अकॉर्डिंग टू टू थाउजेंड इलेवन वाले सेंसेस के अकॉर्डिंग इंडिया चाइना uh, को ओवरटेक करेगा टू थाउजेंड फोर्टी फाइव में लेकिन इंडिया ने ऑलरेडी चाइना को ओवरटेक कर दिया टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री में ये आपकी बुक में नहीं दे रखा पर इंडिया वो ऑलरेडी ओवरटेक कर चुका है ये देखो ऐसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है फिर यहाँ पे भी थोड़ी सी कम हुई फिर कम हुई कम हुई कम हुई कम हुई, कम हुई। ये डिकेटर ग्रोथ रहती है ये परसेंटेज वाला है और ये मिलियन में तो बढ़ ही रही है पहले इतनी थी फिर इतनी फिर धीरे 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 बढ़ ही रही है पॉपुलेशन मतलब बढ़ रही है बट अब इतनी हाई पेज पे नहीं बढ़ रही है जैसे पहले बढ़ती थी अब लोगों के अंदर अवेयरनेस आ गई साथ ही अब क्या हो गया कि डेथ रेट कम हो गया, गया है इंप्रूवमेंट्स आ गए हैं हेल्थ केयर में जिसकी वजह से डेथ कम हो रही है तो इसलिए पॉपुलेशन में ज़्यादा ऐसा लगता है कि बहुत पॉपुलेशन है अब प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज और ग्रोथ अब इसमें तीन चीज़ें हैं बर्थ रेट डेथ रेट और माइग्रेशन अब बर्थ रेट यही होता है कि कितने लाइव बर्थ हो रहे हैं पर थाउजेंड पर्सन और डेथ रेट यही हो रहा है कि कितनी डेथ हो रही है पर थाउजेंड पर्सन इन अ ईयर तो इन दोनों पे अगर बर्थ ज़्यादा है देखो बर्थ रेट मोर देन डेथ रेट तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ होएगी बर्थ रेट इक्वल टू डेथ रेट तो पॉपुलेशन स्टेबल रहेगी बर्थ रेट लेस देन डेथ रेट तो पॉपुलेशन डिक्रीज होएगी तो ये तीन कॉन्सेप्ट होते हैं अब 1980 तक तो हाई बर्थ रेट्स और डिक्लाइनिंग डेथ रेट्स रहे क्योंकि जिसकी वजह से पॉपुलेशन में हायर रेट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिली लेकिन 1981 से बर्थ रेट्स भी कम होने लगे हैं लेकिन जो पॉपुलेशन में डिक्लाइन है वो थोड़ा कम है क्योंकि वही इतनी लार्ज पॉपुलेशन है थोड़ा बहुत डिक्लाइन होता है तो वो इतना दिखता नहीं है लेकिन डिक्लाइन हो रहा है फिर है माइग्रेशन माइग्रेशन में यही है कि एक विद इन द कंट्री होती है एक आउटसाइड कंट्री होती है इंटरनल और एक्सटर्नल जिसको बोलते हैं इंटरनल माइग्रेशन में साइज़ नहीं कम होता लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट होता है सपोज़ कोई पहले रूरल एरियाज़ में रह रहा था अब अर्बन में चला गया तो वहाँ के पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में इफ़ेक्ट आता है ये नहीं है कि वहाँ का पॉपुलेशन के साइज में डिफरेंट आ, आ गया डिफरेंस आ गया पॉपुलेशन के साइज़ में तब डिफरेंस आता है जब कोई आउटसाइड एक्सटर्नल माइग्रेशन करता है तो जो इंडिया में मोस्टली माइग्रेशन होती है वो रूरल टू अर्बन होता है क्योंकि वहाँ पे पुष्ट फैक्टर होते हैं रूरल एरियाज़ में वहाँ पे पॉवर्टी बहुत होती है अनएम्प्लॉयमेंट बहुत होती है और सिटी में आपको अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल जाती है बेटर लिविंग कंडीशन देखने को मिल जाता है जिसकी वजह से लोग अट्रैक्ट होते हैं और माइग्रेट कर देते हैं तो माइग्रेशन से भी मतलब पॉपुलेशन साइज भी आ, मतलब ये पॉपुलेशन साइज को भी इफेक्ट कर लेता है और साथ ही कंपोजिशन को भी कि मतलब लोग क्या होते हैं कि मेल्स माइग्रेट कर जाते हैं फीमेल्स को पीछे छोड़ जाते हैं तो उस उस एरिया में फ़ीमेल ज़्यादा बच जाती हैं तो ये सेक्स कंपोजिशन में भी चेंज लाता है माइग्रेशन इंडिया में तो रूरल अर्बन माइग्रेशन की वजह से पॉपुलेशन जो बढ़ गई है सिटीज़ एंड टाउन्स में वो बढ़ती ही जा रही है सेवनटीन पॉइंट टू नाइन परसेंट होती थी नाइनटीन फिफ्टी वन में और टू थाउजेंड एलेवन में थर्टी वन पॉइंट एट जीरो के आसपास पहुंच गई तो इसलिए नंबर ऑफ मिलियन प्लस सिटीज़ भी बढ़ गई थर्टी फाइव से फिफ्टी थ्री हो गई एक ही डिकेट में मतलब दस साल में वन डिकेट इज टू टेन ईयर्स तो दस साल में इतनी ज़्यादा मिलियन प्लस सिटीज़ भी बढ़ गई क्योंकि माइग्रेशन हो रही थी अब नेक्स्ट टॉपिक है अडोलिस पॉपुलेशन इसमें क्या होता है कि इंडिया में जो पॉपुलेशन है उसमें अडोलिस पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है वन फिफ्थ पॉपुलेशन जो है वो अडोलीसेंट है जो वो अडोलीसेंट जो पॉपुलेशन होती है वो टेन टू नाइनटीन ईयर्स वाली एज ग्रुप वाली होती है तो इसमें क्या होता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारा फ्यूचर का लेकिन यहाँ पे लोगों को ना न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे पुअर न्यूट्रिएंट की वजह से यहाँ पे लोगों को डेफिशिएंसी हो जाती है ग्रोथ स्टंटेड हो जाते हैं बोने रह जाते हैं मतलब हाइट छो, छोटी रह जाती है या पतले रह जाते हैं ऐसा लोगों को फेस करने को मिलता है गर्ल्स में तो बहुत ज़्यादा अनिमिया वगैरह देखने को मिलता है तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं तो हमें इन सब चीज़ों पे भी अटे, अटेंशन देनी चाहिए हमें फ़ोकस देना चाहिए ताकि हम लोगों की ये, मतलब हम इस ग्रोइंग एज में लोगों को सेंसिटाइज़ कर पाएँ और उनकी प्रॉब्लम्स को कन्फ्रंट कर पाएँ अवेयरनेस प्रोवाइड करानी चाहिए और हमें इस एज में लिटरेसी और एडुकेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि लोग यह हमारा कमिंग फ्यूचर है तो हमें उन पर फोकस करना चाहिए अब सरकार ने नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी निकाली थी 1952 में ताकि एक रिस्पॉन्सिबल और प्लान पेरेंटहुड हो, हो सके तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी एक आई थी टू थाउजेंड में ये कलमिनेशन थी जो पहले एफर्ट्स थे उससे पहले सरकार ने बहुत सारे एफर्ट्स करे थे तो जो नाइन टू थाउजेंड वाली पॉलिसी थी उसमें फ्री एंड कंपलसरी एडुकेशन का भी आया था फोर्टीन इयर्स ऑफ एज तक का इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को कम करने का आया था यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन करने के लिए बोला गया है कि सबको टीका लगना चाहिए सबको वैक्सीन लगनी चाहिए प्रिवेंटेबल डिजीज़ की और लड़कियों की शादी थोड़ी डिले होनी चाहिए अगर शादी डिले होती तो उनकी पढ़ाई अच्छे से हो जाती है और वो अपनी बॉडी के बारे में समझ पाती हैं वरना उनके अंदर इतनी नॉलेज नहीं होती शादी हो जाती है फिर चाइल्ड और ये सब हो जाता है तो उनको इतनी नॉलेज नहीं होती कि उनको कैसे कंट्रोल करना है या क्या पेरेंट हुड क्या होता है उनको इतनी नॉलेज नहीं होती तो डिले मैरिज होगी तो वो पढ़ लिख लेंगी तो उन्हें पता होगा नॉलेज होती है कि कैसे चाइल्ड बियर करना है कैसे नहीं करना फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स के बारे में भी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी में पॉलिसीज हैं अब आज के क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं माइग्रेशन चेंज द नंबर डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन इन द एरिया ऑफ डिपार्चर एरिया ऑफ अराइवल बोथ द एरिया ऑफ डिपार्चर एंड अराइवल नन ऑफ द अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन इन द पॉपुलेशन इज अ रिजल्ट ऑफ हाई बर्थ रेट हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसीज हाई डेथ रेट मोर मैरिड कपल्स द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रिफर टू द Total population of an area, the number of persons added each year, the rate at which population increases, the number of females per thousand males. According to the census, a literate person is one who can read and write his or her name, can read and write any language, is 7 years old and can read and write any language with understanding, knows the three R's, reading, writing and arithmetic. Last video can answer the extent to which one of the following types of vegetation does rubber belong to. ट्रॉपिकल एवरग्रीन जिन ट्रीज आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ रेनफॉल मोर देन हंड्रेड सेंटीमीटर इन विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेट इज द सिंपलीपाल बायोस्फेयर रिजर्व लोकेटेड उड़ीसा विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फेर रिजर्व ऑफ इंडिया इज नॉट इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फेयर रिजर्व मानस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें आज के क्वेश्चन के आंसर्स कमेंट बॉक्स में बताएं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आती तो डिसलाइक करके मुझे रीज़न बताएं थैंक यू बट फीडबैक जरूर